दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर वेंटिंग लाइन, एयर लाइन, एयर डिगैसिंग लाइन, तीनों एक ही होती हैं। एयर वेंटिंग लाइन मोल्ड में क्यों दी जाती हैं उसे हम आज समझेंगे। ठीक है, ठीक इस तरीके का दोस्तों हमारा मोल्ड में जो है दोनों साइड में पंच और कैविटी में एयर वेंटिंग दी जाती है। ठीक है, और ये हम क्यों देते हैं इसे हम आज एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक सीरीज है। ठीक है, नोजल आगे से खुला हुआ है, तो यानी कि दोस्तों जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये इजीली मूव कर रहा है। ठीक है, यदि मैं इसे आगे से बंद करता हूँ, ठीक है मैंने बंद किया, और इसे मैं प्रेस करता हूँ, तो दोस्तों मैं इसे आगे की तरफ मूव नहीं करा पाता क्योंकि एयर कंप्रेस हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से यदि हमारे मोल्ड में अंदर एयर कंप्रेस होगी तब हम उसमें मटेरियल इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एयर वेंट दिए जाते हैं। तो इनसे जब हम इंजेक्शन करते हैं तो जो एयर अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एयर वेंट क्यों दिया जाता है। ठीक है, अब एयर वेंट की जो डेप्थ होती है वो 0.01 mm टू 0.064 mm होती है। पीसी में सबसे ज़्यादा डेप्थ यूज़ की जाती है। ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है वो मोल्ड के डिपेंड करती है। ठीक है, यदि एयर वेंट हमारे क्लीन नहीं है तब हम दोस्तों कम से कम 12 टाइप की प्रॉब्लम में फेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही बाहर से ही हमारे जो है एयर वेंट जो इस तरीके से दिए जाते हैं इन्हीं से एयर बाहर जाती है, ये गलत फहमी है। दोस्तों क्या होता है, जो हमारे पिन और जो इंसर्ट होते हैं जो मोल्ड में लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर उस साइज़ के तो होंगे नहीं, यानी कि 0.5 या ऐसे कोई तो कुछ कम होते हैं, तभी तो एक दूसरे में फिटमेंट हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर जब हम इंजेक्शन करेंगे तो जो एयर होगी वो साइड से निकलेगी। ठीक है, तो जो इंसर्ट और जो हमारे पिन होती हैं जो मोल्ड पंच में और कैविटी में रहती हैं उनसे हम मान लें कि एयर बाहर रिमूव होती है। ठीक है, तब हम समझे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। देखिए शॉर्ट मोल्ड मोल्डिंग ये हम समझ ही गए, जब इजीली हमारा मटेरियल अंदर नहीं जाएगा तो हमारी शॉर्ट मोल्डिंग आएगी। फ्लैश क्यों आएगी भाई, फ्लैश इसलिए आएगी कि आपको मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम स्पीड जो है देनी होगी। वेल्ड लाइन, जब आपका मटेरियल अच्छे से मूव नहीं करेगा तो वेल्ड लाइन आएगी। ठीक है, आपकी फ्लूडिटी यानी कि फ्लो का अंदर जो है मोल्ड का फ्लो जो है ना वो अब कम हो चुका, अगर आपकी एयर वेंट क्लीन ना हो और प्रॉपर ना हो। ठीक है, फ्लो मार्क आएगा क्योंकि स्टार्टअप में तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका फ्लो मार्क आएगा। वार्प पेज इसलिए आएगा क्योंकि आपके कंपोनेंट में मटेरियल प्रॉपर फिल नहीं होगा। इजेक्टर मार्क इसलिए आएंगे क्योंकि उस कंडीशन में आपको अधिक मटेरियल मोल्ड के अंदर से जो है इजेक्ट करना होगा। ठीक है, इसी के साथ फिर क्या होगा, बर्न मार्क, आपको बैरल का टेम्परेचर बढ़ाना होगा, उसकी फ्लूडिटी बढ़ाएंगे आप। येलो मार्क भी उसी वजह से आने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे येलो मार्क आएगा। सिल्वर भी आएगा, कंपोनेंट कैचिंग होने लगेगा, आपका जो है बैक प्रेशर बढ़ाएंगे आप, इंजेक्शन बढ़ाएं इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे आप, होल्डिंग बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपोनेंट कैचिंग होगा, श्रिंकेज होगा, जहाँ पे जो है मटेरियल प्रॉपर से नहीं जा पाएगा वहाँ पे श्रिंकेज होने लगेगा, सिंक होगा वहाँ पे। एयर ट्रैप, जब एयर बाहर नहीं निकलेगा तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मोल्ड जो कंपोनेंट है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, वहाँ पे एयर रुकने में जो है बीच में बबल आने लगेंगे, बबल की भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, जब भी आप मोल्ड को देखें तो उसका एयर वेंट जरूर देखें, यदि ये सारी प्रॉब्लम आए तो उसमें एयर वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एयर वेंट हमारे मोल्डों में क्यों देते हैं। ठीक है दोस्तों।